एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। हाउ आर ऑल ऑफ यू? आप सब कैसे हैं? हेल्दी, सेफ, खुश हैं? अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स का? वेरी गुड, कीप गोइंग। ओके, आज की पिक कार्ड रीडिंग है ट्विन फ्लेम पार्ट टू। मैंने एक ट्विन फ्लेम पे रीडिंग करी थी थोड़े हफ्ते पहले, जिसमें मैंने कनेक्शन के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में थोड़ा, मतलब वो थ्योरी साइड में ज़्यादा रीडिंग थी। बट आज की पिक कार्ड रीडिंग, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इज़ अबाउट देयर लुक्स। दिखने में कैसे होंगे, पर्सनैलिटी, अपियरेंस, उनका सनसाइन क्या हो सकता है, कुछ स्पेशल उनकी उनके लुक्स में कुछ ऐसे स्पेशल नोट करना, जिससे शायद आपको पता चले कि हाँ यार, मतलब मैं इस इंसान को जानती हूँ, मेरे पार्टनर में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, या उसके चेहरे पे वहाँ तिल है, वो इतना लंबा है या वो इतना छोटा है हाइट में। बहुत सारी ऐसी ऐसी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, जितना डिटेल हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी। उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उनका नेचर कैसा होगा, एवरीथिंग। ओके, इनिशियल्स, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, सो ये हम सब आज की रीडिंग में देखेंगे। तीन फाइल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं उनके मैसेजेस, उनके पर्सनालिटी के साथ ही, जिसका मैसेज मैं आपको पास से समझाऊंगी, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो, जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिन लोगों को ऐसी रीडिंग्स देखने की ज़रूरत है, जिनको ऐसी रीडिंग्स पसंद है, उनके साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नाम आपकी स्क्रीन पे है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे भी फॉलो करिए। मैं वहाँ पे काफ़ी डेली पिक कार्ड और कुछ ना कुछ वीकेंड एक्टिविटी करती रहती हूँ, सो ज्वाइन दैट फैमिली ऑल्सो। मेरा एक इंग्लिश चैनल है सेम टैरो रीडिंग्स के लिए, जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब लिटरली अगर मैं टोटो स्पीड भी कहूँगी तो वो भी फास्ट है, लेकिन वो चैनल बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ रहा है। अभी मैं फ़िलहाल उस पर कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा टाइम में अगर वो नहीं आगे बढ़ा, अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं उसको वैसे ही बंद कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक आई एम हैप्पी विद वन चैनल ऑल्सो। लेकिन वो एक कोशिश है, कुछ लोगों के लिए हिंदी समझना मुश्किल होता है, तो मैंने उनके लिए, कुछ इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखती है ये वीडियोस, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में चैनल बनाया था। खैर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे पास ऑन करिए। एंड अब यहाँ पे पाइल्स देखते हैं। सो पाइल नंबर वन, आपके ट्विन फ्लेम का एक एट्रीब्यूट, मैं यहाँ वाले पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ वाले पे ध्यान दीजिएगा, प्रीस्ट। और ये प्रीस्ट ऐसे नहीं कि ये पंडित हैं या ये ज्ञानी हैं या ओल्ड फैशनड है। फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, सर्व्स एज द चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि लोगों को इनके साथ बैठना, उठना, बैठना, जिस तरीके की ये बातें करते हैं, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है। अगर ये ज्ञान बांटते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही जो मंदिर में जो पंडित ज्ञान बांटते हैं ये वैसा ज्ञान बांटते हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इनकी पर्सनालिटी की वजह से, इनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से। और ये अगर कहते हैं ना, लोगों की सर्विस करने के लिए ठान लेते हैं तो वो करते हैं, इनमें इनको सुख मिलता है। सो ये उस तरीके के प्रीस्ट हैं। पाइल नंबर टू, रेस्क्यूअर, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के बुरे वक्त में उनका साथ देने वाले, एंड बेस्ट पार्ट कि ये वो दिल से करते हैं, किसी कहते हैं ना, रिटर्न में कोई फेवर या रिटर्न में कुछ किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ये बस उनकी पर्सनालिटी में है। एक इंसानियत के नाते उनका इतना बड़ा दिल है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, और उसके बदले में कोई तारीफ, कोई रिवॉर्ड, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते। एंड एवेंजर, डिजायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ, दूसरों के हक के लिए खड़े होना। ओके, उनको लगता है कि जो फेयरनेस होती है, जो कहते हैं ना जस्टिस, जो इंसाफ होता है, वो इंसान उसका कोई बेस नहीं होता है कि अमीर गरीब, गोरा काला, ज़्यादा पैसे वाले, कम पैसे वाले, सबके लिए जस्टिस एक तरीके का होता है और उसको बैलेंस करना चाहिए। और जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, ये उनके लिए खड़े होने को रेडी हैं, ये उनके लिए लड़ने को रेडी हैं, उनके हक के लिए लड़ने को तैयार हैं। ओके, सो देखिए इन तीनों में से कौन सी क्वालिटी आपको लगता है या आपको अट्रैक्ट करती है या आप चाहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम में हो। ओके, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, एंड फिर हम शुरू करेंगे पाइल नंबर वन के साथ। Thank you.
हाय पाइल नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया ये प्रीस्ट कार्ड, विच इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज हियर। और मैं ये लाइट बार बार एडजस्ट करती रहूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है कभी कभी पढ़ने के लिए, सो प्लीज बेयर विद मी। सो चलिए देखते हैं बाकी के एट्रीब्यूट्स उनके, और टैरो भी देखेंगे इसके बाद। बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दीज फोर कार्ड्स, और सिर्फ आपके पाइल में भी ये चार कार्ड निकले, बाकी सबके में तीन तीन निकले थे। बट आई वॉज लाइक कि मैसेज, भाई मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से और कुछ मिस नहीं करना चाहिए। सो प्रीस्ट का मैसेज, मैंने ऑलरेडी आपको इसका मतलब बताया है। फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। सो आपका ट्विन फ्लेम बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, एंड मुझे लगता है होना भी चाहिए। जहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात आती है, सोलमेट्स की बात आती है, वन थिंग दैट गेट्स यू टुगेदर, यू नो, एक चीज जो आप दोनों को हमेशा बांधे की वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका कनेक्शन जो 5D में है, जो दूसरी डायमेंशन में भी है, जो खाली इस 3D में नहीं है। टच फील सी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, स्मेल की बात नहीं हो रही है, मतलब ये इंसान सपनों में आना, यू नो, कई बार ये आपके आसपास नहीं होते पर आप इनकी एनर्जी फील कर सकते हो कि नहीं यार कोई है, किसी की तो नज़र है मुझ पर, कोई तो मतलब मुझे गाइड कर रहा है, कोई तो मतलब एक कई बार आप खुद से इतना प्यार करने लगते हैं ना, देन यू रियलाइज कि नहीं यार इतना मेरे खुद का नहीं है, देयर समवन अराउंड मी दैट इज रियली लविंग मी। सो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी का चैनल है, इनसे सिर्फ आपको ही नहीं आसपास बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी मिलती होगी, वो अच्छी वाइब्स आती होंगी। तो इस इंसान की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, प्रीस्ट की वाइब है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वो आजकल का जो हमारे पंडित ज्ञानी वैसे लोग हैं, नहीं, ये बहुत ही मुझे लगता है कि सिंपल, नाइस एंड अंदर से दूसरों के लिए करने वाला इंसान। इसकी स्पिरिट बहुत अलाइव है, इसकी वाइब और एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बहुत अच्छी है। लाइट एट्रीब्यूट ऑफ अ गॉसिप, अवेकन्स कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ऑनरिंग ट्रस्ट। ये इंसान गॉसिप नहीं करता है, ये दूसरों की बातें सुन के उसके ऊपर, कहते हैं ना, उसको आगे फैलाता नहीं है, दूसरों की प्राइवेसी। अगर कोई इस इंसान को कोई सीक्रेट बताए, ये सीक्रेट्स रख सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम को सीक्रेट रखना आता है। कल को आप इनसे कोई अपनी बात शेयर करते हो, आप इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि वो कभी इनके मुंह से आगे किसी और को निकलेगी। प्राइवेसी और किसी के बारे में आगे बात ना करना, चाहे जानते हो नहीं जानते हो, वो बात सच हो या ना हो, इनको उसमें मजा नहीं आता है, ये इनकी आदत नहीं है। ये दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, चाहे वो बात सुनने में कितनी अटपटी क्यों ना हो, कितनी स्ट्रेंज क्यों ना हो, कितनी डाउन मार्केट, अप मार्केट, नॉन क्लासी, क्लासी, कैसी क्यों ना हो, बट ये गॉसिप पे फीड नहीं करते। किसी के बारे में बातें फैलाना, आगे किसी को डिस्कस करना, ये चीज़ आपके ट्विन फ्लेम को बिल्कुल नहीं पसंद। मीडिएटर, गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रैटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। सो मीडिएटर आपको पता है एक बहुत कॉमन टर्म है उस इंसान के लिए जो लोगों की, कहते हैं ना, बहस बंद करवा सकता है। और बहस बंद क्यों करवाता है, किसी एक की साइड लेके नहीं, दोनों तरफ की बात सुनना, दोनों की तरफ फेयर रहना। जस्टिस कार्ड की याद आ रही है मुझे ये मीडिएटर वाला कार्ड देख के, एक फेयर इंसान है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और फिर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर एक गलत भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं कि ये गलत भी क्यों है, ये कहाँ से बोल रहा है। अगर इस इंसान ने कुछ गलती की है तो क्यों की है, शौक से की है या मजबूरी में की है। तो कहते हैं ना, एक आर्ग्यूमेंट भी अगर सुनते हैं तो उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करना और बहुत फेयर होकर डिसीजन लेना। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कैटेगरी, मतलब यू नो, ब्यूटिफुल ट्रेट, क्योंकि ये हर किसी की मतलब बस की बात है ही नहीं कि हमें से बहुत लोग ऊपर ऊपर का सुनते हैं और अपना यू नो डिसीजन पास कर देते हैं। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम कोई अगर गलत बात भी कर रहा होता है ना, कोई, मेरे ख्याल से अगर इनको कोई को बुरा भला भी बोलता होगा ना, ये समझते होंगे यार कि ये कड़वा इंसान ऐसे ही नहीं बोल रहा, शौक से नहीं बोल रहा है, ये कड़वाहट इसमें बेचारे में कहीं से आई है, इसके साथ कुछ हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कुछ स्टोरी कुछ और है। सो जिगरा लगता है, यू नो, जिगर लगता है ऐसा इंसान बनने के लिए। चाइल्ड वाउंडेड, अवेकन्स कंपैशन एंड डिजायर टू सर्व अदर, वाउंडेड चिल्ड्रन ओपन्स द लर्निंग पाथ ऑफ फॉरगिवनेस। बच्चों के साथ एक तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे लगता है बच्चे इनसे प्यार करते हैं, स्पेशली जिनका, कहते हैं ना, बचपन में ट्रॉमा रहा है, इनका हो सकता है खुद का भी बचपन में ट्रॉमा रहा हो, इसलिए इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि जो बच्चे जिनको चोट है अंदर से, दिल की चोट है, दिमाग की चोट है, उनका ज़्यादा ख्याल रखना।
हर एक इंसान के साथ कंपैशन दिखाना, और कहते हैं ना, जब आपको अपना ट्रॉमा भुलाना होता है बचपन का, या कोई भी चीज़ जो आपके साथ बीती है, और अगर आप उसे भूलना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है उस इंसान को। तो ये वो पाथ सिखाते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि जिसने आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, उसको माफ़ कर दो, क्योंकि वो तो अपनी गलती करके चला गया है। अब आपको तड़पने की, अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। सो मूव ऑन, फॉरगिव दैट पर्सन। एंड लाइक आई एम सेइंग, यार इंसान देखो, ये कहाँ है, ये ट्विन फ्लेम मिले तो मुझे बताना, बिकॉज सच अ नाइस एंड पॉजिटिव वाइब, या सच अ नाइस पर्सन, लिटरली वेरी नाइस। चलिए अब चलते हैं आगे और कार्ड्स की तरफ। एक कार्ड मैंने यहाँ पे किपर से निकाला था, विच इज़ हाई ऑनर। विद द प्रीस्ट एंड ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज, ऑफ कोर्स, एक हाई ऑनर का कार्ड मतलब ये है कि ये इंसान काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, जैसे अपने ही कहते हैं ना, पढ़ाई में PhD, रिसर्च, या अपने काम में बहुत सीनियर पोजिशन में गया हो। आपका ट्विन फ्लेम एक मिलिट्री का, एक मिलिट्री पर्सन, जनरल, मेजर, मतलब ये तो बहुत इंसान बड़ा थोड़ा एज में जाके बनता है, लेकिन एक आर्मी, पुलिस, लोगों को सर्व करने वाले, सर्विस में, स्पेशली अगर आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मिलिट्री में, आर्मी, और मैं तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ, पुलिस, जस्टिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, इन फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। पुलिस बोल चुके मैं, पुलिस, बट यस, मतलब ऐसी जॉब बेसिकली जो इस इमेज में जैसे देख रही हैं। ऑल्सो हाई ऑनर, मैं आपको ये बोलूंगी कि ये अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छी पोस्ट तक जाएंगे, ये जो भी काम करते होंगे ना, ये उसमें बहुत ऊपर तक जाएंगे, कि खाली बोलने के लिए बोल रही हूँ कि इनके जाने के बाद भी लोग इनको याद करेंगे, मतलब वो बोलेंगे कि इस इंसान ने कहाँ से शुरू किया था और ये किस पोस्ट तक पहुंचा है, इनको ऑनर करेंगे लोग। ओके, इनको ऑनर करेंगे, जैसे अपने किसी काम में मेडल्स जीतना, अवार्ड्स जीतना, प्राइजेस जीतना, मतलब इनके अगर ये यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, तो आप देखोगे साल भर साल इनके मेडल बढ़ते जाएंगे। सो वेरी हाई ऑनर पर्सन, और इस इंसान को मतलब इनकी लेगेसी, मतलब लोग याद रखेंगे, ये मतलब लेगेसी छोड़ के जाएंगे। ओके, टैरो की तरफ चलते हैं। ये वाला कार्ड मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ। ओके, और मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए ज्यादा ही आए थे, आप पे कुछ ज्यादा कृपा है, या तो ये ठीक आए थे या ये ज्यादा आए थे, कोई तो एक दो कार्ड आपके लिए ज्यादा आए थे यहाँ पे। चलिए, 10 of Wands, 6 of Swords, 6 of Pentacles, 10 of Cups, which is a marriage card, और ये दो कार्ड और हैं जिनको मैं अभी टाइम के साथ पढ़ लूंगी। यहाँ पे रख देते हैं इनको, थोड़ा स्क्रीन को मैं नीचे कर देती हूँ यहाँ पे। पहले पाइल के साथ कभी कभी ये दिक्कत होती है लेआउट सेट करने में। ओके, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं 10 of Wands के साथ। इस इंसान ने अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस देखा है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। 10 of Cups का, 10 of Wands का इंसान ऐसा होता है जो कहते हैं ना, सारे काम खुद करना चाहता है, ये अपना काम दूसरों से बांटना नहीं चाहते। ये हमारे घर के पापा की तरह होते हैं, जो सुबह उठना चाहते हैं, जो हमें स्कूल छोड़ना चाहते हैं, जो हमें स्कूल से पिकअप करना चाहते हैं, हमारे लिए ऑफिस जाते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, हमारी शादी भी यही करवाना चाहते हैं, और इसी बर्डन के साथ आगे जीते रहते हैं। बट 10 of Wands यहाँ पे मुझे लगता है इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां डाली नहीं गई हैं, इस इंसान को जिम्मेदारी लेना पसंद है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा है ना, अगर ये मिलिट्री में भी होंगे तो ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर ली हुई है, चाहे जॉब कितनी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, लंबे घंटों के लिए काम करना। ये नहीं हमारी तरह 9 से 5 वाले बच्चे नहीं है ये मतलब 10 10 घंटा, 12 12 घंटे काम कर सकते हैं और थकते नहीं है। कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो सकती है पास में, लेकिन मुझे लगता है कि ये मजबूरी इनकी आदत बन चुकी होती है, और फिर ये एक पॉइंट के बाद इसे एंजॉय भी करने लग जाते हैं। ओके, तो लाइफ में कहीं ना कहीं इनके बैलेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इनको सिर्फ, मुझे लगता है अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ इसी वजह से होती होगी, स्ट्रेस की वजह से। तो ये एक वो हो सकता है फैक्टर इनमें हो, कि यस, इतना स्ट्रेस बॉडी पे, इतना ज़्यादा अपने आप को पनिश करना, अपने आप को बर्न आउट करना, कि कहीं ना कहीं अपने आप को थकाते बहुत ज़्यादा होंगे भाई। The end of challenging times, things are looking up, a welcoming relief, find your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. So, आप में से काफ़ी लोगों के
ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो सकते हैं, दूसरी सिटी में, स्टेट में, दूसरी कंट्री में. आप हो सकता है अभी तक इनसे ना मिले हों क्योंकि आप दोनों अलग अलग यू नो सिटी स्टेट कंट्रीज में हैं, और या तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं या आप इनकी तरफ जा सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भरोसा करते हैं. कुछ लोग होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर इसको यहीं छोड़ दो, इसको रहने दो. नहीं, आपके ट्विन फ्लेम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. ये लोगों की, मैंने कहा है ना, मदद करते हैं. जैसे यहाँ पे अगर ये कोई फंसा हुआ है पानी में तो ये हेल्प कर रहे हैं उनके दूसरी तरफ जाने में. ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं उनकी मुश्किलों में भी. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरिंग वाइजली और पेइंग ऑफ अ डेट, शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स लेस फॉर्चुनेट. सो कार्ड्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये इंसान बहुत चैरिटी करता होगा, एनजीओ से रिलेटेड हो सकते हैं, लोगों की मदद करने वाले, अपनी उम्र से बड़े, स्पेशली बूढ़े, बूढ़ों के लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये बूढ़ों की मदद ज़्यादा करते हैं. ओल्ड लेकिन ओल्ड पीपल अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, उनसे एक अटैचमेंट होगी या पास्ट में रही होगी, इस वजह से भी ये बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं. कोई भी इनका दोस्त इनसे पैसे मांगे, ये बहुत खुशी खुशी दे देते हैं, बिना सोचे कि कब मिलेंगे, कितना देना है. नहीं, इनका दिल बहुत साफ है, बहुत 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 साफ है. और सबसे अच्छी बात यह कि इनकी इसी खूबी की वजह से इनको हमेशा लाइफ में रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे. ये लोगों के लिए इतनी सेवा करते हैं ना, और ये सर्विस का कार्ड भी तो मिलिट्री वालों की तरह ही होता है ना, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं, वो हमारी बस रक्षा करते हैं, हमसे कुछ पर्सनली आके मांगते नहीं हैं. आपके ट्विन फ्लेम बहुत हद तक वैसे ही हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते किसी से. एंड दिस, ये वाला कार्ड जो मेरा फेवरेट कार्ड है, हैप्पी मैरिज, टेन ऑफ कप्स, यानी कि एक शादी का कार्ड है, बहुत हाई चांस है. पाइल नंबर वन, आई एम सो हैप्पी ये आपके लिए आया कि आप में से काफ़ी लोग यस अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर सकते हैं. आपका ये यूनियन लिखा हुआ है, इनसे मिलके आपको जो कहते हैं ना, एक निर्वाणा स्टेट बोलते हैं ना, कि जो मोक्ष प्राप्ति, जो सुख, जो हैप्पीनेस आपको इनके साथ मिलेगी, आपने कभी वो लाइफ में पहले फील नहीं करी होगी. ये एक बच्चों से प्यार करने वाला इंसान, और ये कार्ड पहले भी आया है, बच्चों से प्यार करने वाला, फैमिली से प्यार करने वाला इंसान है. ये शादी करना चाहते हैं, ये फैमिली चाहते हैं, इनको फैमिली का सुख चाहिए. तो वो वैल्यूज, वो मॉरल्स इस इंसान में भर भर के हैं, एंड आप इन पे टोटली ट्रस्ट कर सकते हो. ये किसी के, मैंने कहा है ना, कोई अगर इन पे विश्वास करता है, कोई अपनी बात भी बताता है, ये वो ट्रस्ट बना के रखते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए सिटी से दूर, आपके घर से दूर हो सकता है, कोई दूसरे शहर में या कहीं बाहर रहते हो. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, अगर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ऐसे भी जानते हैं, तो अगेन ये मिलिट्री वाला कार्ड हो सकता है, कोई इंसान जो फौज में है, सर्विसेज में है, यू नो मिलिट्री मैन, डेफिनेटली हाई चांसेस हैं. सो लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्टेड हैं. आपके साथ भी होंगे ना, तो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वैसे हैं. ऑल्सो ये कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेते. इनमें मैंने कहा है ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति है, ये शांत आत्मा है. ये कोई भी अपना डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेंगे, गुस्से में नहीं लेते, इम्पल्सिव होके नहीं लेते. नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे धीरे चलने वाला पेंटिकल है, एक एक पैर, मतलब वो देख देख के चलता है, उसकी प्लानिंग इतनी सॉलिड होती है, इतनी लंबी होती है. एक एक कहते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल, आँख बहुत तेज़ है, कान बहुत तेज़ है, नाक बहुत तेज़ है. तो कुछ भी बिना कभी सोचे समझे ये इंसान सही वक्त के लिए इंतज़ार करने वाला इंसान, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है. इनको पता है दुश्मन पे अटैक कब करना है. ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइसली, अपने पैसे को संभाल के रखने वाला इंसान, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं. कई बार मैं इतनी जल्दी बोल देती हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आता मैंने बोला क्या है. सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए पैसे जमा करने वाले. इनको पता है कितना पैसा कहाँ खर्चना है, कितने पैसे की कहाँ ज़रूरत है. सो अपने मनी मैनेजमेंट में ये इंसान, आपका ट्विन फ्लेम, बहुत ज़्यादा अच्छा है. डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. बीइंग चैरिटेबल, अगेन यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, इनके कार्ड्स में हर जगह लिखा है कि ये एक चैरिटेबल इंसान है. ओके, और अपने इमोशंस, अपने मनी, अपने समय, अपना टाइम
हर चीज़ को लेके इस इंसान को अच्छे डिसीजंस लेने आते हैं। ओके सो अब चलते हैं हम इनके लुक्स के ऊपर, इनके जोडियाक साइन के ऊपर, क्योंकि कार्ड से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भाई कोई फरिश्ता, कोई फिल्म का हीरो, हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी। देखिए मैं यहाँ पे लुक्स जो है ना इन कार्ड से भी बता सकती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि ये बाहर के कार्ड्स हैं, काले बाल हो सकते हैं आपके पार्टनर के, कलर करने वाले लंबे बाल हो सकते हैं जो फीमेल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम बाहर भी हो सकते हैं, दूसरे देश के हो सकते हैं, कहीं और के सिटीजन हो सकते हैं, उनको बाल कलर कराने का शौक हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कार्ड है ये टैरो, तो इसमें फॉरेनर ज़्यादा बने होते हैं, तो अगर ये आपके लिए यू नो अप्लाई करता है, ज़रूरी नहीं है कि जब दूसरों के रीडिंग्स में भी ऐसे ही फिगर्स यू नो इमेजेस वाले कार्ड आएंगे तो उनके लिए भी यही अप्लाई करें। सो मैं इसलिए इनसे नहीं बता रही हूँ कि कैसा रहेगा उनका लुक। ओके अब चलते हैं इनके जोडियाक की तरफ। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर वन, प्लीज टेल मी अबाउट दैट जोडियाक। सजिटेरियस, और स्पेलिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा शफल करने में। स्कॉर्पियो, लीब्रा, कैप्रिकॉन, और एक और निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे, एरीज, कैंसर। ये एक्चुअली कार्ड्स ना आपस में इतने ज़्यादा स्टिक होने लगे हैं कि मैं इनको शफल ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बस आई एम जस्ट पुलिंग देम आउट फॉर यू। एंड अब चलते हैं लुक्स की तरफ, कुछ ऐसा खास कहते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक जो आप अपने ट्विन फ्लेम में नोटिस कर सकते हैं। सो पाइल नंबर वन, प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर देयर ट्विन फ्लेम्स। ओके सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी हमारे पास ट्रेड्स आ गए हैं, तो इनके साथ ही पहले शुरुआत करते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, आपके ट्विन फ्लेम की जॉ लाइन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत शार्प रेजर कट जैसी होती है, शायद ये वर्कआउट करते होंगे इसकी वजह से भी, चेहरे पे फैट बहुत कम होगा। एक्ने एंड ब्लेमिशेस, फ्रेकल्स कहते हैं ना, पिंपल्स के निशान, गड्ढे रह जाना थोड़े बहुत, या इनको पिंपल्स मतलब एक्ने आती होगी, तो वो भी एक ट्रेट हो सकता है, मेल हो फीमेल हो या किसी को भी आ सकता है। एवरेज हाइट, सो ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। स्मॉल लिप्स, छोटे पतले होंठ। वाइड नोज, चौड़ी नाक। डाइड एंड कलरफुल हेयर, तो बाल कलर करने का शौक हो, इस जरूरी नहीं है कि नीले बाल ऐसे कलर करते हो, मतलब सिर्फ बाल कलर या डाई करते हो, सफेदी मतलब उम्र की भी हो सकती है, टेंशन से भी हो सकती है, या सिर्फ शौक भी हो सकता है। पेटीट, सो नॉर्मल से कहते हैं ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के कपड़े पहनने वाले। फेशियल पियर्सिंग, फीमेल है तो जैसे नाक पियर्स कराया है, कुछ लोग टंग पियर्स कराते हैं, लिप्स पियर्स कराते हैं, आईब्रोज पियर्स कराते हैं, तो कोई ना कोई फेस पे पियर्सिंग होना। एवरेज बिल्ट, जैसे एवरेज हाइट है तो एवरेज बिल्ट। ब्लैक हेयर, काले बाल। एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ट, तो अगर वर्कआउट करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन है, वर्कआउट करते हैं, एंड डेफिनेटली अगर ये कोई मेल है मिलिट्री वाले, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होना कितनी ज़रूरी है, एंड बहुत ऑब्वियस भी है। ओके चलिए अब देखते हैं कुछ इनिशियल्स जो इनके नाम के हो सकते हैं। डी, ओ, डब्ल्यू,
एच आई आर टी एम ए ए होते हैं भाई, दो नाम में दो तीन ए हो जाते हैं कभी कभी, जेड ई आर एंड ए अगेन. देखो मैंने दो तीन ए की बात की, दो तीन ए आ गए. ओके सो ये कुछ इनिशियल्स आप देखिए, अगर इसमें नाम बनता है, अगर इसमें यू नो जैसे अगर इंडियन नाम है तो राम और मीरा, कुछ भी, काफी सारे नाम बन सकते हैं. सो ये इनिशियल आपके उनके कॉन्फर्मेशन के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है. ऑल राइट, सो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग आपके ट्विन फ्लेम पे. अगर आपने इसे एंजॉय किया, ये रेजोनेट करती है, लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये है, ये जो है ये मेरे लिए है, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड इंग्लिश चैनल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे. प्लीज़ टेक केयर, बाय. हाय पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपको ये कार्ड, ये मैसेज, ये एट्रीब्यूट अपने ट्विन फ्लेम में शायद अट्रैक्ट करेगा, या बस इस एसेंस इस मैसेज का आपको बहुत अच्छा लगा कि आपके ट्विन फ्लेम एक रेस्क्यूअर हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन, सेल्फलेस प्यार करने वाला इंसान. किसी का कहते हैं ना कोई मोह माया नहीं, कोई कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, बस अनकंडीशनली लोगों के लिए कुछ करने वाला, विच इज सच अ ब्यूटी. कहते हैं ना अपनी जान खतरे में डाल के पानी में कूद के लोगों को बचा रहे हैं बिना इस डर के कि वो भी डूब सकते हैं. सो आई थिंक बहुत ब्रेव हैं ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोल है इनकी. और इनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम यहाँ पे. प्रोफेशन में ये टीचर भी हो सकते हैं जैसा यहाँ पे लिटरली मेंशन है. अबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल और विजडम. आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान होंगे और सबसे अच्छी बात यह कि ये अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करते हैं. मतलब ऐसा होता है ना, कुछ सीखा हमने या हमने कुछ हमें कुछ बात पता चली, लेकिन वो सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए अपने पास रखते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते, वो शेयर नहीं करना चाहते. नहीं, इनको जो भी ज्ञान है, ये कुछ भी जानते हैं लाइफ के बारे में, जिस चीज़ ने इनकी हेल्प की आगे बढ़ने में, ये वो चीज़ लोगों के साथ भी शेयर करते हैं. अगर इनका कोई स्किल है, जैसे अगर इनको पेंटिंग पसंद है, ये पेंटिंग करते हैं, तो ये और लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो भी पेंटिंग करे. कोई अगर इनको बोलेगा कि यार तुम सिखा दो पेंट करना, ये सिखा भी देंगे. सो अपना सब कुछ जाना हुआ, जो इनके पास जितना ज्ञान है, जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब इनके पास पावर्स हैं, लोगों के साथ वो शेयर करना, और ऐसे शेयर करना कि सामने वाले को समझ आए. क्योंकि अच्छा टीचर कौन होता है, पढ़ा तो सब सकते हैं, रटा तो सब, आपके सामने कोई खड़े होकर 10 घंटे बोल सकता है, लेकिन आप कनेक्ट उसके साथ करते हो जो आपको इंटरेस्ट लेके सिखा रहा है, जिसकी नीयत है आपको सिखाने की. तो यहाँ पे इस इंसान की नीयत नज़र आती है कि ये इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से अपनी नॉलेज शेयर करते हैं कि लोगों को इनसे सीखने में मज़ा भी आता है. एंड लिटरली लाइक आई सेड, ये एक टीचर हो सकते हैं. यहाँ पे रेस्क्यूर का कार्ड है, तो ये एक्चुअली में कोई कहते हैं ना आर्मी, देश की रक्षा करने वाले, लोगों को रेस्क्यू करने वाले, नेवी में लाइफ गार्ड, वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे मतलब चीज़ों में भी इंसान हो सकते हैं. सर्वेंट, अब आप बोलोगे कि ये सर्वेंट भी हो सकते हैं, तो भाई हम सब सर्वेंट ही हैं यहाँ पे, और सिविल सर्वेंट हैं, देश के सर्वेंट हैं, अपने घर वालों के सर्वेंट हैं, कोई अपनी बीवी का सर्वेंट है, कोई अपने पति की सर्वेंट है, मतलब हम सब सर्वेंट ही हैं. तो सर्वेंट वर्ड को लिटरली ऐसे मत लीजिएगा. डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट. तो बिल्कुल ऐसा टीचर जैसा ही कार्ड है ये, कि सर्वेंट तो हमारे घर के जो हाउस हेल्प होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, हम तो फिर भी कहते हैं ना कि उनकी मजबूरी है हमारे लिए काम करना, और हम उनके लिए, और हम उनको रिटर्न में उनकी सैलरी देते हैं. ये सेल्फलेस सर्वेंट है, ये दिल से करते हैं, ये दिल से सेवा करना चाहते हैं. कभी आप थके हारे घर आओ, तो ये सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपको पानी ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप शांत हो जाएं. अगर गर्मी है तो आप हल्का महसूस करें. दिल से लोगों की सेवा करने वाला, करने वाली इंसान,
ओके, खुशी खुशी खाना सिर्फ इसलिए नहीं खिला रहे हैं क्योंकि खिलाना है। हाँ, मैं घर की लेडी हूँ, मैं मदर हूँ, मैं वाइफ हूँ, तो मेरा काम है खाना बनाना, तो मैं बनाऊंगी। नहीं, खुशी मिलती है करने में, खुशी मिलती है लोगों का पेट भरने में। उस तरह की सर्विस, उस तरह के सर्वेंट है ये। एल्कमिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम, यानी कि लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी सीखा है, जो भी तोड़ पता चले हैं, और कहते हैं ना बहुत बेसिक चीज़ें, छोटे छोटे लेसन जो लाइफ के साथ आप सीखते आए हो, आपने उनको विजडम में बदल दिया। जैसे आपको पता नहीं, टेड टॉक वाले लोग होते हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कहाँ से लाते हैं कंटेंट? वो दूसरों की लाइफ से तो लेते ही हैं, पर वो खुद की लाइफ में उन्होंने इतना कुछ देखा होता है। वो एक एक कहते हैं अपना दिन ऐसे नोटिस करते हैं और फिर वो उसको ज्ञान बनाते हैं, उसको एक्सपीरियंस बनाते हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इनमें, इनके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, वो ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना, अपनी नॉलेज जो ये जानते हैं उसका कोई मिसयूज़ नहीं करना कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मेरा मेरा एक्सपीरियंस तुमसे किसी चीज़ में ज़्यादा है। नहीं, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। अल्केमिस्ट तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल इंसान ही होता है, एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये नॉलेज अपनी शेयर करना। ओके, सो चलिए अब चलते हैं टैरो की तरफ। एंड पहले मैं ये कार्ड देखना चाहती हूँ यहाँ पे, फैमिली रूम। इस इंसान की फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का घर, एक तरीके का कहते हैं ना, खुद का इंटीरियर आपके ट्विन फ्लेम को बहुत मैटर करता है, और अपनी फैमिली को हमेशा क्लोज रखना चाहता है। ये उनमें से जो, अगर कह लो चलो चारों मील्स आप साथ में नहीं खा सकते, तो कहते हैं ना कम से कम शाम की चाय एक साथ हो जाए, रात का खाना एक साथ हो जाए, कि हम सब फैमिली रूम में बैठ के खाए पिए। और इनकी प्राइवेसी, इनका फैमिली के साथ बिताया हुआ समय इनको बहुत 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 मायने रखता है। इनकी जो खुद की स्पेस है ना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका घर किस तरीके से दिखना चाहिए, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने घर और फैमिली को लेके मतलब ये काफ़ी पर्टिकुलर है, काफ़ी स्पेसिफिक हो सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। कंपैशनेट, ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ना शुरू कर दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, सिक्स ऑफ कप्स, एंड ये एक कार्ड को मैं कोशिश करती हूँ, अगर फिट हो जाता है, वरना मैं इसको यहाँ साइड में ऊपर रख दूंगी। राइट, एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मैं बोलूंगी कि ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपके ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ बने हुए इंसान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस्ड और हाई हेडेड, कहते हैं ना इनका क्रिटिसिज्म, इनका जो जज करने का तरीका है वो एक्सपीरियंस से होता है। ये सिर्फ खाली जजमेंट पास करने के लिए जज नहीं करते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ सीखे हुए लोग हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा हो सकता है। इंटेलिजेंस पार एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि जो लोग इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ये उनसे अपना कनेक्शन तोड़ लेते हैं। ओके, ये उनसे अपना कनेक्शन तोड़ लेते हैं। ऑल्सो पता है, जब मुश्किल होती है ना, ये घबराते नहीं है, ये घबराते नहीं है। ये उसमें भी कहते हैं ना कुछ, कोई मजाक ह्यूमर, मतलब ऊपर वहां पे वॉर चल रही है, लोग घबरा रहे हैं भाई, जान जाने वाली है, ये उसमें भी वहां बैठ के जोक कर रहे हो, आसपास के मतलब लोगों को इनकरेज करने के लिए हंसा रहे हैं कि भाई नहीं देखो अभी कुछ अच्छा होगा, कि लोग मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमर ढूंढना लाइफ में इस इंसान की बहुत बहुत बड़ी खूबी है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकते हैं आप इनको शायद लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ट्विन फ्लेम हमेशा, कहते हैं ना, उन्होंने कभी डेट ना किया हो, कभी रिलेशनशिप में ना रहे हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो। नहीं, हमारे ट्विन फ्लेम हमें लाइफ के कोई भी मोड़ पे जाके मिल सकते हैं, 60 में 70 में 20 में, और हो सकता है कि कुछ लोग के ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो, ओके, या सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आपका ट्विन फ्लेम एक्चुअली कोई आपके पास्ट का भी हो सकता है। काफ़ी लोग के लिए मैं कहूँगी आप शायद इनसे मिल चुके हैं, या आपका स्कूल का कोई फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, कोई इंसान जिसके साथ आपने काम किया हो किसी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो आपके एक्स भी अगर आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं भी करते हो ना, आप इनसे डिटैच नहीं हो पाओगे,
इस जन्म में तो नहीं हो पाओगे डिटैच, क्योंकि ट्विन फ्लेम से आप एक बार अगर मिल लो ना तो फिर वो वाइब, वो कनेक्शन करंट टूटता नहीं है, फिर वो एंड तक जो है वो करंट रहता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की फिजिकल डायमेंशन में आ चुके हो। सो चाइल्डहुड का कोई होना या किसी को जानते हैं, किसी को डेट कर चुके हैं, वही ट्विन फ्लेम है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वेरी रोमांटिक और कभी कभी फिल्मी भी। रिलीज एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग। सो बहुत मैंने कहा है, जैसे यहाँ पे साइकिल्स एंड हुई है इस इंसान के लिए, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिलीज किया है, सिचुएशंस को रिलीज किया है, एनर्जीज को रिलीज किया है जो इनकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ये अपने आप से और अपनी आसपास की एनर्जी से। वो द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा होता है, मतलब ये कहते हैं ना आने वाले 10-20 सालों को के बारे में सोचता है, ये हमारी तरह नहीं है आज का देखेंगे, अरे इस हफ्ते क्या करना है यही पता चल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं ये लंबा सोचते हैं तभी ये लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। आपके ट्विन फ्लेम सक्सेसफुल इंसान है, करिश्मेटिक, ग्राउंडेड, इन्होंने लाइफ में अचीव किया है, और लेकिन कहते हैं ना घमंड नहीं किया है, ये वैसे इंसान है जिस चीज़ पे हाथ लगा दें उसको सोना बना दे, वैसे हैं ये। एक बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट रहेंगे, एक बहुत ही सपोर्टिव स्पाउस रहेंगे, अगर फैमिली बच्चे होते हैं ये हमेशा इतना कमाना चाहेंगे, ये नहीं क्योंकि इनके पैसे, इनको पैसे से प्यार है, लालच है, ऐसा कुछ है, नहीं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ये अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकें जो आप देना चाहते हैं। और ये एक अच्छे बॉस भी होते हैं, तो जो लोग इनके साथ काम करते होंगे ना वो खुश होते होंगे कि भाई हमारे बॉस अच्छे हैं, हमारे मैनेजर अच्छे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इनके लाइफ में, क्योंकि अब ये देखो फरिश्ता तो हो नहीं सकता, ये ट्विन फ्लेम ही है, इंसान ही है, थोड़े कंफ्यूज टाइप हो सकते हैं कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनना, कई बार इनका दिल कुछ और कहता है, कभी इनका दिमाग कुछ और कहता है, कभी कभी डुअल पर्सनैलिटी वाले स्टेज में आ जाते हैं। सो गुड डिसीजंस ये नहीं कई बार ले पाते, शायद लाइफ में इन्होंने पहले भी आपको मिस इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, ये अपने दिल की नहीं सुन पाए, इन्होंने अपने दिमाग की सुनी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यू नो ओवर एनालाइज कर जाते हैं सिचुएशन को, ज़्यादा सोच लेना किसी चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग कर जाना, उतनी ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन हद से ज़्यादा सोच लेना, ख्याली पुलाव ज़्यादा बना लेना, तो वो एक आदत इनकी हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे शो करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये इंसान जैसे ये चींटी, अगर ये इंसान तकलीफ में भी होता है, इनको अंदर से दिल में भी कोई दिक्कत होगी ना, ये दिखाएंगे नहीं, ये दिखाते नहीं है, अपने तक ही रखते हैं। सो आई थिंक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एंड काफ़ी अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आसपास देखिएगा ऐसे कौन से लोग को आप पहले से जानते हैं, या आपका कोई एक्स जिसके साथ कई बार हम नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, हो सकता है हमारी शादी भी कहीं और हो गई है लेकिन हम उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा ट्विन फ्लेम है। ओके, चलिए देखते हैं इस इंसान के, आपके ट्विन फ्लेम के स्टार साइन, जोडियक, मून साइन, राइजिंग क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ पे शफल नहीं कर पाऊंगी इनको, क्योंकि पहले पाइल वन के लिए शफल करने की कोशिश में मैंने अपना काफी मजाक उड़वा लिया, तो मैं यहाँ पे खाली पुल कर देती हूँ। पाइसिस, साजी, टॉरस, ये प्रिंटिंग में गलती हो गई है जहां से भी मैंने प्रिंट निकाला है, स्कॉर्पियो, लीब्रा एंड कैंसर। ओके, तो ये इनके स्टार साइन, मून साइन, राइजिंग कुछ भी हो सकते हैं। एंड नाउ टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, और मैंने ये पहले भी कहा है पाइल वन में कि मैं इन इमेजेस से इनके लुक्स के बारे में नहीं बता रही हूँ ज्यादा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डेक है तो इसमें फॉरेनर ज़्यादा बने हुए हैं, और अगर आपके आपके कार्ड्स में नहीं दिखा रहा है कि कोई ये बाहर का इंसान है तो मैं आपको नहीं बोलना चाहूँगी कि ये बाहर की हूँ, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके काले बाल हैं और कहीं ना कहीं ये लेडी ऐसे लग रहा है इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। ओके, सो आपके ट्विन फ्लेम ऐसे भी दिख सकती हैं, ज़रूरी है तलवार लेके बैठी हूँ, लेकिन यस इंडियन पहनने वाली, इंडियन कल्चर, वेरी 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 हाई चांसेस। ओके, सो अब इनके लुक्स में कुछ स्पेसिफिक, फिजिकली कुछ स्पेसिफिक जिससे आप इनको पहचान सको, जिससे आपको थोड़ी और कॉन्फर्मेशन मिल सके। प्लीज टेल मी अबाउट पाइल नंबर टूज ट्विन फ्लेम।
सो पहले इनके साथ ही चलते हैं। यहाँ पे मोल ब्यूटी मार्क, तो चेहरे पे कोई ऐसा तिल जरूरी नहीं है यहीं पे, पर चेहरे पे कहीं पे भी हो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, जो आपको शायद इनके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे। लॉन्ग हेयर, तो कोई भी कलर के हो सकते हैं लेकिन बाल लंबे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर ये मेल है, ये सिख पंजाबी, ये भी हो सकते हैं जो बाल लंबे रखते हैं, या कोई बस जनरली यू नो स्टाइल के लिए भी बाल लंबे रखते हैं आजकल तो लड़के। ब्लैक हेयर, स्मॉल ईयर्स, छोटे कान, वाइट नोज, चौड़ी नाक, डार्क स्किन, तो कम्प्लेक्शन इनका थोड़ा डार्क हो सकता है यूजुअल से, या मतलब आपके लिए जो भी यूजुअल है उससे डार्क स्किन। एवरेज हाइट, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, वर्कआउट करने वाला इंसान हो सकता है, एक हैवी बिल्ट इंसान हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। ब्लू आइज, या ब्लू आइज या लेंसेज लगाते हो ब्लू। हेट्रोक्रोमिया, ये आप गूगल कर सकते हैं हेट्रोक्रोमिया। यंगर देन यू, एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, ओके एज इनकी आपसे थोड़ी छोटी हो सकती है, सो ये भी एक और साइन है अगर आपको ये कहीं ना कहीं डाउट करता है तो। और अब चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे निकाल दिए मैंने, बट जो एक बार आ गया वो आ गया। सो ई एस आई ओ एन, मजाक हो रहा है क्या? नॉइज लिख दिया मैंने यहाँ पे, नॉइज नॉइज नहीं, पर मुझे लगता है जब आप इनसे मिलोगे तो बहुत नॉइज होगा। वाह, टी पी एन सी, एक और ई, एक और ई, टी एक्स यू जे ओ ए ओ जी एन ओ, मुझे लगता है बहुत लोग शुक्र बनाएंगे, ए आ गया, थैंक गॉड। ओके सो ओके, बहुत बहुत कम नाम, बहुत मतलब रेयर लगते हैं ना कुछ वर्ड्स ए के बिना, थोड़ा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड। बट पाइल नंबर टू, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे इन्जॉय किया, ये रेजोनेट करती है, कहीं ना कहीं आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है, एंड इंग्लिश चैनल है मेरा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए पर सब्सक्राइब पहले करिए। एंड बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपको ये कार्ड, ये मैसेजेस कार्ड पे ये एट्रीब्यूट अपने ट्विन फ्लेम का सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, डिजायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ। सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी खड़ा होने वाला इंसान, उनके हक में, उनके सही के लिए। सो एंड सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करने वाला एवेंजर, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ पे पहले शुरू करते हैं उनके कुछ और एट्रीब्यूट से, फिर हम टैरो भी देखेंगे। मिडास, माइजर, माइजर मतलब कंजूस होता है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगी। प्रोस्टिट्यूट, लिटरली नहीं जाना है इस पे। फेम फटेल, ओके सो फोकस अभी यहीं रखते हैं। ये कार्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने कहा है कि ये बहुत ही बैलेंस इंसान है, लोगों के हक में खड़ा होता है, और कहते हैं ना क्रिश की याद आएगी आपको ये देख के। तो ये मेल ही, फीमेल भी हो सकती है, फीमेल क्रिश भी हो सकती है, तो आपको दिख रहा है, तो ये क्रिश है एक तरीके से। अपनी हमेशा कहते हैं ना सामने आके नहीं करना चाहता, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं लोगों को दिखाना चाहता या बताना चाहता, उसमें नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता इनको। ये लोगों की भलाई बिल्कुल साफ नीयत से, बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए बिना करना चाहते हैं। क्रिश है ये, क्रिश बिल्कुल, ओके। एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ रिचेस। सो बिजनेस सेंस आपके ट्विन फ्लेम का बहुत अच्छा है, सो बड़ा हाई चांस है कि ये एक बिजनेस वाले इंसान हो सकते हैं, खुद का काम करने वाले, या कहते हैं ना कि अपने कंपनी में या जहाँ पे भी अगर ये जॉब भी करते हैं ना, उनके लिए ये एक एसेट है।
ये कहते हैं ना, एक माचिस की तीली को कैसे सोने का टूथपिक बनाना है उसको वैसे बता देंगे। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का तोड़ इनके पास है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जो भी ये कमाते हैं, आई एम वेरी श्योर इनके पास पैसा है, ये काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इनके पास है ये लोगों के साथ शेयर करते हैं, और ना सिर्फ अपनी अर्निंग्स या अपने रिवॉर्ड शेयर करते हैं, अपने वो लाइफ के सीक्रेट्स भी, कि ये उस मुकाम पे कैसे पहुंचे वो इन्फॉर्मेशन भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी सक्सेस लोगों के साथ शेयर करे, और वो सक्सेसफुल कैसे हुआ है वो फॉर्मूला भी सबको बताए, ताकि और लोग भी सक्सेसफुल हो सके। वो अकेले वहां पे नहीं पहुंचना चाहता है। सो इनमें वही है, हिंदी में हमारे बोलते हैं ना, मिट्टी को भी सोना बना दे, ये वो वाला इंसान है। मिडास टच है कि पेंटिंग तो पूरी बन गई, बस इन्होंने लेकिन आके एक ऐसे स्ट्रोक मार दिया और वो पेंटिंग जो है 10 गुना और सुंदर हो गई। एक्स फैक्टर जो बोलते हैं। सो वो क्वालिटी इनमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। प्रोस्टिट्यूट एक्सेंचुएट्स द चैलेंज ऑफ सर्वाइविंग विदाउट नेगोशिएटिंग द पावर ऑफ योर स्पिरिट। गंगूबाई आप लोगों ने देखी है, और उसका एक इसेंस, मतलब अगर जिन्होंने नहीं भी देखी है, एक इसेंस आपको उस मूवी का पता होगा कि काम नहीं जो नियत है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो या चाहे वो मंत्री हो या हम में से कोई भी इंसान हो, अपने वैल्यूज, कहते हैं ना कि जो नेगोशिएशन पावर है वो हमारे हाथ में होती है। कहते हैं ना, आप हमारे शरीर को छू सकते हो लेकिन आप हमारी आत्मा को नहीं छू सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। ये वैसे वाला इंसान है, ये वो सोच का इंसान है। ये अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अपनी मोरालिटी, अपने वैल्यू सिस्टम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में लड़ेंगे, जो जरूरी है वो करेंगे, लेकिन कुछ भी इमोरल, जहां पे इनको लगता है कि इनको अपनी वैल्यू से नेगोशिएट करना पड़ रहा है, ये वो चीज कभी भी नहीं करेंगे। फेम फटेल हाईलाइट्स द इरोटिक एनर्जी ऑफ द फेमिनिन, ओपन्स योर हार्ट व्हेन योर डिपेंडेंसी इज रिजेक्टेड। सो यस, सेक्सुअली काफी एनर्जेटिक, काफी अट्रैक्टिव इंसान हो सकते हैं, इनकी सेक्सुअल पावर काफी स्ट्रांग हो सकती है, और फेमिनिन एनर्जी खासकर, चाहे ये मेल क्यों ना हो, बट इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और एक्चुअली में कहते हैं ना कि ये डिपेंड नहीं करते किसी पे, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते कि कौन इनको लाइक करेगा, कौन इनको अप्रिशिएट करेगा, कौन इनकी तारीफ करेगा, आज तुम सुंदर लग रही हो कि नहीं लग रही हो, आज तुम हैंडसम लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, नहीं। ये अपनी तारीफ खुद करने वाला इंसान है, इनको खुद पता है कि मैं कितना सेक्सी हूं या कितनी सेक्सी हूं या कितनी हॉट हूं, किसी की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है ये तारीफों के लिए या वैलिडेशन की किसी से भी। सो काफी बोल्ड और काफी, मतलब सॉलिड वैल्यूज। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी वाले मैसेजेस नहीं आए अगर आप देखोगे तो, क्योंकि बाकी तो पाइल्स में वो आए थे। आपके जो थोड़े ट्विन फ्लेम है, काफी मतलब इनका काफी एक स्ट्रांग कैरेक्टर, स्ट्रांग से है। कोर्टशिप, सो आप में से काफी लोग मुझे लगता है इनको डेट कर सकते हैं, बहुत हाई चांस है। और कोर्टशिप एक्चुअली कार्ड का, अगर मैं आपको असली मतलब बताऊं ना, मुझे नहीं लगता है कि ये कभी दुनिया को दिखाने के लिए शादी करेंगे, ये वहीं पे शादी करेंगे, ये वहीं पे रिलेशनशिप में आएंगे आपके ट्विन फ्लेम, जहां पे इनको पता है इनका कनेक्शन है। यहाँ पे इन लोगों ने कोर्टशिप करी है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर आप इनकी शक्ल देखो, भूते देखो, कितने उदास हैं ये लोग। तो अफेयर जैसे कहते हैं ना, हम चलाना चाहते हैं, बट क्या आप सिर्फ दुनिया के लिए चलाना चाहते हो? नहीं, उसमें प्यार होना बहुत जरूरी है। आपका ट्विन फ्लेम भी कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए रिलेशनशिप में नहीं जाएगा या शादी नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करेंगे जो भी करेंगे। बैलेंस द एम्परर, मैंने बिजनेस की बात की थी कि ये बिजनेस वाले हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन बिजनेस, अगेन बॉस। एंड आपके 6 कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली पाइल नंबर 2 के बिचारों के सिर्फ 5 कार्ड्स आए थे, तो यहाँ पे रख लेते हैं। 9 ऑफ सॉड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो फाइनेंशियली यस, दिस पर्सन इज वेरी ब्लेस्ड। इनके पास काफ़ी अंधाधुंध पैसा है जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। इन पे कहते हैं ना, कैपिटल
कृपा है, कृपा है जो भी भगवान पैसे देते हैं, लक्ष्मी की कृपा है इनके ऊपर। सबसे अच्छी बात कि ये अपना पैसा लोगों से बांटते हैं, अपने रिसोर्सेज दुनिया के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है और घर और फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले। रैबिट जब भी कहीं आप देखेंगे ना, तो टैरो में हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या टैरो में हम रैबिट को बोलते हैं, रैबिट की तादाद बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाइंग एनिमल है ये। सो ऐसे ही इनके पैसे बढ़ते हैं, ऐसे ही इनके रिचेज हैं, ऐसे ही इनके, मतलब मैं कहूँगी इनकी इनकम ऐसे ही आती होगी। मतलब ये कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इनके ऊपर हमेशा बारिश कृपा, मैं कहूँगी, पैसे की रहेगी। लेकिन फैमिली और घर से, अपने घर से बहुत प्यार करने वाले, तो अपने घर पे भी बहुत खर्चते होंगे, अपने घर के इंटीरियर पे, घर कैसे दिखना चाहिए, आर्ट और ब्यूटी यानी कि म्यूजिक पसंद होना, पेंटिंग्स पसंद होना, हाथ की कारीगरी, लोगों की हैंडराइटिंग नोटिस करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आर्ट और ब्यूटी हो, तैयार होना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। तो ये आपको भी शायद उम्मीद रखेंगे कि आप भी हमेशा तैयार होके रहें, लेकिन इस इंसान को तैयार होना, मेकअप, आज के ट्रेंडिंग स्टाइल्स, फैशन, इनका खुद का एक स्टेटमेंट स्टाइल हो सकता है जो औरों जैसा ना हो, अपना स्टाइल खुद क्रिएट किया हो। तो मैंने वैसे भी कहा ना कि आप लोगों की थोड़े वाइब यहाँ पे, आपके ट्विन फ्लेम की वाइब काफ़ी स्ट्रांग है। सो वैसी ही कुछ पर्सनालिटी है इनकी, सेंसिबल इंसान है। ऑल्सो जो भी इनके पास पैसा है, इनको कुछ कहते ना ऊपर से फाड़ के किसी ने नहीं दिया, आसमान फाड़ के मेहनत की है इन्होंने, इनमें जो भी स्वैग आया है वो अपनी मेहनत से आया है, इनके हार्डवर्क की वजह से ही ये लाइफ में हमेशा इनके पास लग्जरी रहेगी। मैं एक लग्जूरियस लाइफ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, छोटी मोटी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, एक अच्छी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लग्जूरियस लाइफ की। और मैं ये नहीं कह रही कि लग्जूरियस से नीचे लाइफ अच्छी नहीं होती है, लग्जरी मतलब ब्रांड्स, महंगाई, अपर क्रीम क्लास, एलीट क्लास, वैसे तरह की लिविंग करना। सो अगेन, ये एक बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपके ट्विन फ्लेम एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन हो सकती है, इनका खुद का काम हो सकता है, ठीक है। ये बहुत कम चांस है कि ये किसी और के लिए काम करते होंगे। अकेले रहना भी इस इंसान को पसंद है, ठीक है ना। कहते ना घर का इंटीरियर ही इतना अच्छा है भाई, पार्क हमने घर पे ही खोल रखा है, अपू घर घर में बना रखा है, हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की। वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंस्पायरिंग है, लोग इनकी लाइफ की जर्नी देख के काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, एम्बिशियस हैं, और सीधी सी बात है इतना पैसा मेहनत से ही आ रहा है क्योंकि इन्होंने वो एम्बिशंस बनाए हैं लाइफ में, और लंबा सोचने वाले, दूर का सोचने वाले हमेशा, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, जो ये सोचते हैं, जो ये कहना चाहते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, मैंने कहा ये मिडास टच, उसमें इन सक्सेसफुल होना इस इंसान का लिखा ही है, ये एक लीडर की तरह है। इनके लाइफ में डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर है, तो मैंने कहा ना ये इंस्पिरेशन है लोग के लिए, लोग इनके बारे में बोलेंगे कि ऐसे बना था यार ये इंसान, ऐसे इस बंदे ने अपनी लाइफ खुद बनाई है। ये मुझे अंबानी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, लिटरली अंबानी वाली फीलिंग आ रही है, ओके। तो जब इतनी अंबानी वाली फीलिंग आती है, इतना आपके पास अच्छा हो रहा होता है, तो फिर नाइन ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी आना बहुत ज़्यादा नेचुरल है और कॉमन है। क्यों? जब आपके पास इतना पैसा होता है तो आपकी कुछ रातें बिना नींद की भी निकलती हैं। कई बार आप कहते हो ना, मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा ये सब कुछ चला तो नहीं जाएगा, अगर वो लॉस हो गया तो कई बार ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा सोचना। जो खराब अभी नहीं हुआ है, जो इवेंट अभी हैपनिंग, मिस हैपनिंग नहीं हुई है, कभी कभी हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा आगे चढ़ के सोचते हैं, तो वो नहीं। चांसेस ये हैं कि ये कभी कभी रात को ठीक से ना सोते होंगे, एन्जाइटी इशू हो सकता है, ओवरवर्किंग की वजह से हो सकता है। सो आप इनकी हेल्प करिएगा, कभी आप इनकी लाइफ में आए तो इनको लगता, मुझे लगता है कि इनको अपने थॉट्स वापस अलाइन करने की ज़रूरत होगी कभी कभी, क्योंकि यस, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ये ले सकते हैं। बट मैं कहूँ, अगर इतना सब कुछ मेरे पास होगा भाई, ये मेरे को भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। बैलेंस, दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के विचारों को भी रिस्पेक्ट देने वाला इंसान, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये सक्सेस मेरी ही है, ये मैंने ही बनाई है, ये सब कुछ मैंने ही अकेले किया है, नहीं। दूसरों के आइडियाज़ सुनते हैं, उनको अपने आइडियाज़ के साथ मिलाते हैं, दूसरों के आर्ग्यूमेंट भी सुनते हैं, उसमें अपने आर्ग्यूमेंट भी डालते हैं, लेकिन सिर्फ इसी इंटेंशन से कि जो इस चीज़ से, जो इस आर्ग्यूमेंट डिस्कशन से बाहर आए वो दोनों के लिए फेवरेबल हो, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ करने में ये इंसान बहुत अच्छे हैं,
इनका दिल बड़ा है तो कभी कभी गिव इन कर देते हैं। तो इनसे बहस अगर होगी तो जरूरी नहीं कि लड़ेंगे ही हमेशा, नहीं, कभी कभी बोलेंगे कि चलो भाई आज तुम्हारी कल हमारी, फिर देखेंगे। सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, पेशेंस बहुत है और बैलेंस इंसान है। जैसे यहाँ पे बैलेंस का कार्ड बोल रहा है, बैलेंस इस इंसान में बहुत 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 अच्छा है। ओके, सो अब चलिए देखते हैं कुछ सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जो आपके इस पार्टनर के हो सकते हैं, और मैं इनको शफल नहीं करूँगी, पुल आउट करूँगी, क्योंकि ये आपस में आज थोड़ा चिपक रहे हैं। सो सैजिटेरियस, ये तीनों पाइल में आए हैं और ये मेरा सन साइन है, तो भाई मुझे तो तीनों पाइल में से जो भी मिल जाए, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे हैं। लीब्रा, पाइसिस, एरीज, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड चलिए अब देखते हैं इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ये कुछ इनमें बहुत खास चीजें, कैसे मतलब कहते हैं ना, लंबी हाइट, छोटी हाइट, उम्र, जो भी मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्शन, बिल्ड, बाल, कुछ ऐसी चीजें इनके बारे में पर्टिकुलर जो आपको हेल्प कर सकती है इनको रिकॉग्नाइज करने में। सो हाउ विल पाइल नंबर 3 सिम्पटम लुक लाइक? ओह, डिंपल्स, क्योंकि ये नॉर्मल टैरो कार्ड्स नहीं है, सेल्फ कार्ड्स हैं बनाए हुए, तो थोड़ा इनको दिक्कत होती है शफल करने में, लेकिन मुझे लगता है जो कार्ड्स अपने आप आए वो बेटर हैं। एनी क्लास शफल दे देते हैं। ओके, राइट, सो पाइल नंबर 3, आई एक्चुअली हैड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बीच में रोकनी पड़ी, बैटरी खत्म हो गई थी, फोन बंद हो गया था, कैमरा बंद हो गया था, एंड सो नाउ बैटरी इज रिचार्ज। मैंने सब कुछ वैसे का वैसे ही छोड़ दिया ताकि आपको अब मैं दिखा सकूं कि आपके ट्विन फ्लेम के फीचर्स, लुक्स में क्या प्रोमिनेंट हो सकता है। शेव्ड हेड, तो पूरे बाल नहीं रखना हो, गर्मी की वजह से बाल झड़ जाते हैं, या फैशन के लिए भी बहुत लोग करते हैं, सो शेव्ड हेड इज वन ऑफ द फीचर्स। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, वर्कआउट करने वाला इंसान या जिनके चेहरे पे फैट आता ही ना हो। हेजल आईज, नेचुरली लाइट ब्राउन आईज, हेजल आईज, हनी आईज, या इस कलर के लेंसेज भी पहनने का शौक हो इन्हें। ग्रीन आईज सेम, काफ़ी नेचुरली बहुत लोग के ग्रीन आइज होते हैं, हो सकते हैं, एंड अगेन लेंसेज पहनने का शौक भी हो सकता है यहाँ पे। विटिलिगो एक स्किन कंडीशन है, कुछ लोगों में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, कम होती है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम में हो सकती हैं। एवरेज बिल्ड, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा पतले, एवरेज, एवरेज, शॉर्ट देन एवरेज। हाइट उनकी हो सकता है कि जो एवरेज होती है उससे कम हो, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे फीचर्स आपके ट्विन फ्लेम में अप्लाई करते ही होंगे, बट दीज आर जो स्पेसिफिकेशंस। राउंड फीचर्स यानी कि गोल चेहरा, गोल नाक, बड़ी आंखें, यू नो, गोल मुंह कुछ लोगों का होता है बिल्कुल, सो वैसा फेस का स्ट्रक्चर हो सकता है। यंगर देन यू, ये एक पहले वाले पाइल का भी आया था कि एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, एंड ये तो सबसे पहले गिरा था कि उनके डिम्पल्स हो सकते हैं। मेरे भी डिम्पल है, आई एम अ हाफ डिम्पल पर्सन, मेरा एक ही गाल पर डिम्पल आता है, तो एक चीज़ जो ठीक ठाक भगवान ने मुझे लगा था दी है अच्छी, वो भी आधी कर दी है। स्मॉल ईयर्स, छोटे कान, फेशियल हेयर, तो मुस्टैश रखना, बियर्ड रखना, और अगर फीमेल भी हो तो कहते हैं ना किसी किसी के फेस पे हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, फेशियल हेयर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब ऐसे स्टेज तक नहीं बट पॉसिबिलिटी। एंड लास्ट, स्मॉल लिप्स, छोटे होठ, पतले होठ, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इससे मैच कर सकते हैं कि आपके जो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी या जो आने वाले इंसान हैं उनमें से कुछ ऐसे फीचर्स उनमें भी हैं जिससे आपको थोड़ी कॉन्फर्मेशन मिल सकती है। चलिए अब कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं, कुछ इनिशियल्स देखते हैं जिससे हमें थोड़ी और कन्फर्मेशन रिगार्डिंग द नेम, अगर उनका नाम मिलता है इसमें या खाली
उनके नाम के शुरू के लेटर्स, आपके नाम के लेटर्स बताने के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है. सो पी ई ओ ए डी एक्स आई, ये प्लेन है, जैकपॉट, तो आप इसको कैसे भी मान सकते हैं. एच टी बी, एक और ई, वाई आई, वन मोर ए एंड आर. सो देखिए जैसे आर आई टी ए रीटा, ये एक नाम हो सकता है. सो काफी सारे नाम है यहाँ पे. एच ई ई आर ए, हीरा, अब आप बोलोगे घोड़े का नाम है, तो मतलब काफी नाम है यहाँ पे, काफी सारे नाम है. या खाली इनिशियल्स ही मैंने कहा हो सकते हैं, और ये कोई बाहर का भी इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका, मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम इंडिया में ही हो, इंडियन ही हो, देसी ही हो, नहीं, बाहर के भी हो सकते हैं. सो बहुत 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 सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं ट्विन फ्लेम को लेके. सो पॉइंट नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे इंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड अगर इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो थोड़ा मेरे इंग्लिश चैनल को भी धक्का लगा दो, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय.